Hello guys, welcome to my new vlog. Oh, sorry, this is not a vlog, this is going to be an unboxing video. तो कहानी ये है कि कल मैं गया था मुंबई क्रेडिट रिकॉर्ड बुक लाने के लिए अपना CMI ऑफिस पे, तो लेके आ गया. लेकिन अब मज़ा क्या बताऊँ, बहुत मज़ा किरकिरा हो गया पूरा. जाते टाइम इतना ट्रैफिक ना, पूरा सर दर्द हो गया था एकदम लिटरली. और फिर कैसे कैसे लेके आया, शाम हो गई थी लाते लाते. फिर सोचा चलो अभी सो जाते हैं, कल देखते हैं, कल इसको अनबॉक्स करेंगे पूरा, प्रॉपर वीडियो भी बनाएंगे इस पे. तो वो यहाँ पे है, आप लोग देख रहे हैं इसको. तो गाइज, मेरे कॉलेज ने क्या किया था कि जितने भी सारे कैडेट्स थे हम लोगों के बैच के, तो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन CMMI ऑफिस को भेजी थी. और हम लोगों को बोल दिया गया था कि आप जस्ट जाओ उनके वेबसाइट पे, पेमेंट करो, उनसे कांटेक्ट करो और कुरियर करके मंगा लो. तो मेरे लिए ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं था, मैंने पेमेंट किया और जस्ट जाके मुंबई से उठा लाया, क्योंकि अभी मैं पुणे में ही था. तो यही था इसमें, और बाकी कई सारे प्रोसेस हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये सिंपल था. नाउ मेनी ऑफ यू विल आस्क दिस क्वेश्चन दैट सर, ये तो आ जाता है घर पे कुरियर होके, तो फिर आपको लाने की जरूरत क्या थी? तो यार अर्जेंट था थोड़ा, इसीलिए चला गया था लाने, नहीं तो ऐसी क्या जरूरत है, कुरियर होके आ जाता है, जाओ कौन जाएगा उतनी ट्रैफिक में, इतना भीड़, दिन भर कौन अपना टाइम बर्बाद करेगा. तो बस थोड़ा सा अर्जेंट था इसलिए गया था लाने के लिए. तो अब सीधा अनबॉक्सिंग पे आते हैं. मेरा CRB का पार्सल, और अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या क्या है अंदर. मेनली चार बुक होती हैं जहाँ तक मेरे को पता है, तो चलिए ओपन करते हैं, दिख ही जाएगा. खुल गया. अरे यार, इतनी हार्ड ही होता है पूरा. तो ये रहा कैडेट रिकॉर्ड बुक का सारा, जो जो भी होता है अंदर. तो पहला वाला बुक जो है ये है डेक कैडेट सिप बोर्ड एक्टिविटी वर्क बुक फॉर BSc नॉटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एक्चुअली मैंने किया है BSc नॉटिकल साइंस से, तो ये हम लोगों के लिए मैंने लिया है. यहाँ पे जो लिखा है BSc नॉटिकल साइंस टेक्नोलॉजी एंड, और इस पे जो भी है लिखा है यहाँ पे, टू बी यूज इन कंजक्शन विद द डेक कैडेट स्ट्रक्चर्ड सिप बोर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम रिकॉर्ड बुक इन कंप्लायंस विद द 2010 मनीला अमेंडमेंट टू द STCW कन्वेंशन एंड कोड. तो आप लोग अगर BSc कर रहे हो, पढ़े होंगे शिप मैनेजमेंट, तो वहाँ पे सारा ये सारे कन्वेंशन जो है, STCW कोड, सारे वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. तो उसी की रिक्वायरमेंट में हम लोगों को डेक कैडेट रिकॉर्ड बुक फिल करना पड़ता है. तो अब आते हैं इस वाले बुक के पहले पेज पे. तो यहाँ पे अपनी फोटो लगेगी, नाम लिखना होता है यहाँ पे, और डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, डिस्चार्ज बुक नंबर, एड्रेस अपना. तो अब चलते हैं इस बुक के अंदर. तो इस बुक के अंदर मेनली ये हम लोगों को नेविगेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इस पे मतलब नेविगेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसको रिकॉर्ड करो, और यहाँ पे शिप नेम, लोकेशन और सिग्नेचर, डेट, कौन से डेट पे क्या कर रहे हैं, वो सारा कुछ इसमें फिल होना है. यहाँ पे जैसे देख सकते हो आप, कैलकुलेशन दिया है, जैसे मिनिमम नंबर ऑफ टाइम दैट एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म टू वन ईच फेज, और सारा ये क्वेश्चन सैम्पल कैलकुलेशन दे दिया है पोलैरिस का. तो यही सब है इस वाले बुक में करना है जो हम लोगों को. हम आते हैं अपनी दूसरी वाली बुक पे, जो कि है डेक कैडेट शिप बोर्ड एक्टिविटी वर्कबुक फॉर, एंड दिस इज सप्लीमेंट फॉर ऑयल एंड केमिकल टैंकर्स. तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये ऑयल टैंकर का बढ़िया सा फोटो बना है. इसको ओपन करते हैं. तो आप पहला पेज, तो मतलब सारे बुक्स का सेम वैसे ही है. यहाँ पे फोटो अपनी लगानी है, नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, डिस्चार्ज बुक नंबर, एड्रेस, सारा वैसे ही फिलअप करना है. तो इसमें अब इंडेक्स वाले पेज पे आते हैं. तो यहाँ पे इसमें इंट्रोडक्शन है, इंस्ट्रक्शन है, और सेक्शन वन में है जनरल टैंकर टास्क, दैट इज ऑयल एंड केमिकल टैंकर्स. सेक्शन टू इज फॉर टास्क फॉर कार्गो ऑपरेशन, दैट इज ऑल ऑयल टैंकर्स, एंड सेक्शन थ्री इज टास्क फॉर कार्गो ऑपरेशन, दैट इज फॉर केमिकल टैंकर्स. तो नेक्स्ट पेज पे वही इंस्ट्रक्शन और इंट्रोडक्शन सारा कुछ दिया हुआ, और यहाँ से ये जो होता है शुरू होता है, यहाँ पे अपना रिकॉर्ड लिखने के लिए जो भी होगा रिकॉर्ड, इसमें हमको लिखना है शिप का नाम, लोकेशन, रिमार्क और सिग्नेचर यहाँ पे, और डेट के साथ फिलअप करना है अपने को. तो यही है इस वाले बुक में, सेकंड बुक जो अपना CRB का है. तो अब आते हैं अपनी तीसरी वाली बुक पे. तीसरी वाली बुक जो है, दिस इज सप्लीमेंट फॉर गैस कैरियर्स एक्चुअली, एंड यहाँ पे भी फोटो आप देख सकते हैं, गैस कैरियर का बढ़िया सा फोटो बना है. पहला पेज सेम वैसे ही है, फोटो लगानी है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, सब वैसे ही लिखना है आपको. अब इसके इंडेक्स पेज पे आते हैं. तो इसके इंडेक्स पेज पे हम लोगों को देखने को मिल जाएगा यहाँ पे टास्क फॉर कार्गो ऑपरेशन,
इज लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग, सेक्शन टू इज टास्क फॉर कार्गो ऑपरेशन, टैंक प्रिपरेशन एंड चेंजिंग रेट्स, और सेक्शन थ्री जो है इसका टास्क फॉर कार्गो ऑपरेशन, इंस्पेक्शन ऑफ कार्गो पंप्स एंड इक्विपमेंट। तो यहाँ पे ये इसका डिस्क्रिप्शन में दिखा है और आगे ही इंट्रोडक्शन और इंस्ट्रक्शन सारा लिखा है। रिकॉर्ड वैसे ही सेम पिछली वाली बुक्स की तरह, वैसे ही यहाँ पर रिकॉर्ड फिल करना है, शिप का नाम, लोकेशन, रिमार्क, सिग्नेचर, डेट, वैसे ही चाहिए आपको सारा कुछ। तो इस वाली बुक में भी सेम वैसे ही था। अब आते हैं फाइनल लास्ट वाली बुक पे। तो ये जो है लास्ट वाली बुक काफ़ी मोटी सी है, हैवी, और ए वाली बुक भी हैवी थी, दोनों आई थिंक सेम ही है, थिकनेस उतना ही है दोनों का। तो अब इसको देखते हैं क्या है इसके अंदर। फ्रंट पेज वैसे ही है, नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ, इंडोर्स नंबर, डिस्चार्ज बुक नंबर, एड्रेस, सब कुछ वैसे ही है। और अब आगे चलते हैं इसमें। यहाँ पे इंडेक्स पेज में काफ़ी सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन हो गया, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, जनरल इन्फॉर्मेशन, टास्क प्रोग्रेस ओवरव्यू एंड सिप बोर्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फैमिलाइजेशन, कॉन्टेंट हो गया उसका जो जो भी है, लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस टास्क, रिकॉर्ड ऑफ वॉच कीपिंग एंड स्टीयरिंग, प्रोजेक्ट वर्क, सारा कुछ इसमें दिया है इस वाली बुक में। और अब आगे चलते हैं इसमें, देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा कुछ दिया हुआ है, किसका किसका क्या होता है, कंपनी ट्रेनिंग ऑफिसर का, मास्टर का, सिप बोर्ड ट्रेनिंग ऑफिसर का, कैडेट ऑफिसर का, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा कुछ यहाँ पे दिया है। और इस वाले पेज पे आते तो हमको यहाँ पे कैडेट्स पर्टिकुलर्स फिल करने के लिए मिल जाता है, और इस वाले में अपना एजुकेशनल रिकॉर्ड, क्लास 10th में कितना मार्क्स, क्लास 12th में कितना मार्क्स, और फिर बीएससी और बीटेक जो भी किए हैं उसमें यहाँ पे सारा कुछ फिल करना है अपने को। और इस वाले पेज पे आप देखेंगे यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग का रिकॉर्ड है सारा, कैडेट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्री सी ट्रेनिंग, नेम ऑफ कॉलेज, ऑन बोर्ड ट्रेनिंग, नेम ऑफ द शिप, जो भी है सारा यहाँ पे फिलअप करना है। तो मैक्सिमम 1, 2, 3, 4 एज ए कैडेट यहाँ पे 4 स्पेस दिया है आपको, 4 शिप का नाम यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। फिर आगे वाली लाइन में जो है ये है बेसिक ट्रेनिंग एज रिक्वायर्ड बाई STCW 2010, और यहाँ पे सारे कोर्स का नाम दिया है, आपने कहाँ से किया है, सर्टिफिकेट नंबर, सारा कुछ यहाँ पे फिलअप करना है। और उसके बाद ये वाले पे है रिकॉर्ड ऑफ द अदर प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, अगर अगर कहीं से भी किया है, जैसे हो गया आपका प्रोफिशिएंसी इन सर्वाइवल क्राफ्ट एंड रेस्क्यू बोट, रडार ऑब्जर्वर कोर्स, तो इसमें सारा आपको फिलअप करना है। फिर आते हैं यहाँ पे, तो ये है रिकॉर्ड ऑफ सी सर्विस, तो आपने जो भी शिप किया है उसका IMO नंबर, डेट ऑफ साइन ऑन एंड साइन ऑफ, टाइम स्पेंट ऑन ब्रिज, वॉच कीपिंग ड्यूटीज, वॉयज टोटल सी गोइंग सर्विस, तो उसको सारा यहाँ पे फिलअप करना है। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये जो है ये यहाँ पे हम लोगों का सिप बोर्ड ट्रेनिंग ऑफिसर STO जो है उस वो यहाँ पे मंथली रिव्यू करेगा रिकॉर्ड बुक का। तो ये यहाँ पे सारा कुछ है, शिप का नाम, कमेंट उसने अगर कुछ दिया है, जैसे यहाँ पे लिखा है शोज गुड प्रोग्रेस इन कार्गो ऑपरेशन, नीड्स टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ ब्रिज इक्विपमेंट इन डिटेल एंड दिस वन इज सेटिस्फैक्ट्री, और यहाँ पे उसका सिग्नेचर और स्टैंप लगा है डेट के साथ। तो आपको कुछ पेज ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे इस वाले में। फिर उसके बाद आता ही ये है मास्टर्स मंथली रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड बुक। तो यहाँ पे अब मास्टर हमारा जो भी है वो इस पे रिव्यू देगा। तो यहाँ पे जो है कमेंट्स में उसने पहले वाले कमेंट में जैसे यहाँ पे एज एग्जांपल दिया है, टेक कीन इंटरेस्ट इन सिप बोर्ड एक्टिविटीज, नीड टू इम्प्रूव बेसिक नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कोलिजन एंड रेगुलेशन, एंड सेकेंड वन इज सेटिस्फैक्ट्री, और यहाँ पे कैप्टन का नाम है, सिग्नेचर है, विद डेट है। तो ये सारा कुछ इसमें फिलअप होगा मास्टर का रिव्यू एक्चुअली। तो अब आते हैं नेक्स्ट पेजेस पे। तो अगले 2-3 पेज पे आपको वैसे ही सारा कुछ मिल जाएगा। फिर यहाँ पे है कंपनीज मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रिव्यू ऑफ द बुक। तो यहाँ पे जो है कमेंट्स शुड ओनली रिलेट टू द कैडेट्स प्रैक्टिकल प्रोग्रेस इन ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसीज। तो ये सारा कुछ यहाँ पे फिलअप करेगी। हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, जो कि सेक्शन 5 सिप बोर्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फैमिलियराइजेशन। तो जितने भी सिक्योरिटी फैमिलियराइजेशन होंगे, किस डेट पे हुए हैं, कौन से ऑफिसर ने कराया, वो यहाँ पे आपको सिग्नेचर के साथ फिल करना है। और फिर नेक्स्ट पेज पे भी वैसे ही है पूरा। आगे चलते हैं, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे सेक्शन 6 जो है ये है सिप्स पर्टिकुलर फर्स्ट शिप। तो इसमें जो हम लोग ने मतलब एज अ कैडेट पहला सिप करेंगे तो उसका सारा पर्टिकुलर हमको इसमें फिल करना है, जैसे हो गया शिप का नाम, शिप टाइप, IMO नंबर, कॉल साइन, फ्लैग, लेंथ, ओवरऑल ब्रेथ। तो ऐसे ही यहाँ पे शिप पर्टिकुलर सेकेंड शिप के लिए भी है, ये हो गया सेकेंड शिप का पर्टिकुलर,
फिर थर्ड का, फोर्थ का, सारा कुछ इसमें हम लोगों को फिलअप करना है। अब हम लोग अगले पेज पे आते हैं, तो जो है सेक्शन 7, और सेक्शन 7 में हम लोगों का यहाँ पे ये लिखा है इंटरनेशनल रेगुलेशन फॉर प्रिवेंटिंग कोलिजन एट सी, पार्ट ए बी सी डी, एनएक्सेस, NX1, NX2, और ये यहाँ पे लिखा है अथोरो नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर द रूल्स शेडेड इन ब्लू। तो यहाँ पे सारा कुछ आप लोगों को कम्प्लीटली रेडी रहना है उसके लिए, सिग्नेचर और डेट यहाँ पे सारा कुछ फिलअप होगा, और फिर बाकी सब यहाँ पे है, काफी कुछ दिया है। अब ये सब आप देख सकते हैं पूरा, मतलब इस वाले बुक में पूरा हर जगह सिग्नेचर सिग्नेचर सिग्नेचर, एसटीओ सिग्नेचर, हर जगह आपको सिग्नेचर ही लेना है। टास्क कंप्लीट करना है, सिग्नेचर लेना है, टास्क कंप्लीट करना है, सिग्नेचर लेना है, सारा कुछ इसमें वही है। तो यही था अपना, और इधर आई थिंक सर्टिफिकेट है, ब्रिज वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ जब हम लोग मतलब उसको सक्सेसफुली कर लेंगे तो ये हम लोग को सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा। एक तरह से मास्टर यहाँ पे सिग्नेचर अपना कर देगा, और ये यहाँ पे डेट के साथ मास्टर का सिग्नेचर होगा, स्टैम्प भी यहाँ पे लगेगा। ये तो सारा यहाँ पे सर्टिफिकेट है, तो आप देख सकते हैं यही सब था इन चारों CRBs में। तो गाइज ये जो वीडियो था वो इनके अनबॉक्सिंग पे था, कैडेट रिकॉर्ड बुक या टार बुक का। तो एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जब भी इसमें कोई भी एंट्रीज करना, ट्राई करना कि गलती मिनिमम हो, क्योंकि गलत होगा कुछ भी तो वो अच्छा सा ही लगेगा, रिव्यू भी उस पर आपको अच्छा नहीं मिलने वाला है। तो गलतियाँ कम करने की कोशिश करना, और ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है, अभी मैं भी पहली बार ट्राई करूँगा इसको, पहली बार जा रहा हूँ यार शिप पे, तो फिर सारा कुछ देखूंगा मैं भी ट्राई करूँगा, मेरे से भी गलतियाँ मिनिमम हो। और आई थिंक यार ये वीडियो अब लेंदी हो रहा है, तो इसको बस यहीं पर स्टॉप करते हैं, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।